खबर रीवा के मऊगंज से है, जहां विधायक प्रदीप पटेल की नो एंट्री को लेकर बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। बीती रात्रि 11 हाइवा ट्रक पकड़े गए हैं। इस दौरान एक हाइवा ट्रक चालक ने बताया, पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का हाइवा भी पकड़ा गया है, जिसको मऊगंज विधायक ने बड़ी दमदारी से पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जो खनिज का परिवहन कर मऊगंज वेयर हाउस जा रहा था। इन सभी पर पुलिस द्वारा 5,000 रुपये जुर्माना करने के बाद छोड़ने की खबर है। विधायक पुलिस को लेकर दुबे चौराहा में पहुंचे थे। इस तरह की कार्रवाई से तो यह साफ हो चुका है कि शिवराज सरकार में भाजपा के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मऊगंज विधायक कुछ बड़ा कर गुजरने में विश्वास रखते हैं। उस वजह से उनकी सरकार की नाकामी भले ही प्रदर्शित हो, लेकिन वह जिस तरीके से भाजपा सरकार के भ्रष्ट और बिगड़े सिस्टम को उजागर करने के साथ ही उसे सुधारने का बीड़ा उठाया है, उसके पीछे विपक्ष उनका व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि बता रहा है। पर इतना तो साफ है कि अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से शिवराज सरकार के सर्वाधिक चर्चित और क्रांतिकारी विधायकों में पहला नाम मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का आता है, जिन्होंने धरना देने के मामले में विपक्षी नेताओं को पछाड़ने के साथ साथ ही शिवराज सरकार के कुशासन के खिलाफ जगह जगह मोर्चा लेते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी यह कार्यशैली सराहनीय है, क्योंकि वह पीएम मोदी और शिवराज के शासन में भ्रष्ट और बेलगाम व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों को सही साबित करने में पूरी तरह ताकत से लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? देवन पटेल जी। कहाँ के हैं आप? मऊगंज। ये गाड़ी किसकी है? राजेंद्र शुक्ला जी। राजेंद्र शुक्ला मंत्री जी की? पूर्व मंत्री की? कहाँ बनाई है वीडियो? नहीं नहीं, कहाँ से आ रही थी गाड़ी? नहीं, वीडियो कहाँ बनाई है? थाने में खड़ी है, थाने में देख लिया। नहीं नहीं, गाड़ी कहाँ से आ रही थी? बेस्ट लोड है।